योगी सरकार के राज में दिन दिहाड़े धड़ल्ले से बदमाश बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इन नकाबपोश बदमाश को न सरकार का डर है न ही पुलिस का कोई खौफ। जहां योगी सरकार दावा करते हैं कि उसके राज में गुंडागर्दी और लूटपाट कम हुए हैं, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है उससे कई सवाल खड़े होते हैं। बता दें, नोएडा में लूट की एक के बाद एक दो ताबड़तोड़ घटनाओं ने नोएडा पुलिस की सुरक्षा दावों की पोल खोलकर रख दी है। खास बात यह है कि बाइक सवार बदमाशों ने अपने मकसद को अंजाम दिया है। बता दें, नोएडा के सेक्टर 82 में मंगलवार को दो बदमाशों ने SBI के ATM में नकदी डाल रहे कर्मचारियों से 40 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। विरोध करने पर बदमाशों ने कई गोलियां भी चलाई और फायरिंग के बाद इसी बीच वहां मौजूद एक कार सवार ने पीछा करते हुए बदमाशों की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद टक्कर लगने से बदमाशों के गिरने के साथ रुपयों से भरा बैग भी सड़क पर गिर गया और सारे नोट सड़क पर बिखर गए। सड़क पर नोट बिखरे देख राहगीरों ने उन्हें लूटना शुरू कर दिया और उसी वक्त पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने पीछा कर एक बदमाश को पकड़ लिया। अब तक दूसरा बदमाश पुलिस के गिरफ्त से फरार है। पुलिस ने बैग से 19 लाख रुपए बरामद किए हैं। केंद्रीय बिहार के SBI ATM में कैश वैन जब केस डालने आए, तभी पहले से रेकी कर रहे बाइक सवार बदमाशों ने ATM में केस डाल रहे कर्मचारी पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी कहने से बच रही है। दिन दिहाड़े लूट की इस घटना से नोएडा में पुलिस की तरफ से किए जा रहे सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। वहीं बेखौफ बदमाश बहुत आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।